गुड मॉर्निंग। तो गाइस अभी मैंने हेयर वॉश किए हैं और सुबह मॉर्निंग में उठ के मैंने छोले और रोटी बनाया है। और आज फ्राइडे है तो चना खाना चाहिए, तो इसलिए मैंने छोले बना दिए। चना तो हमेशा खाते रहते हैं ना, तो छोले थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने छोले बना दिए गाइस। और मॉर्निंग होती है रोज़ और मैं परेशान हो जाती हूँ, क्यों पता है? आप जानते हो मैं यूट्यूबर हूँ और मुझे लोगों के साथ सोशल होना पड़ता है, तो मैं फेसबुक की फ्रेंड रिक्वेस्ट जो भी आती हूँ वो एक्सेप्ट करती हूँ। तो एक्सेप्ट कर तो लेती हूँ, लेकिन दूसरे दिन से जो वो लोग मुझे मैसेंजर पे मैसेज और कॉल करना शुरू कर देते हैं, पता नहीं, मैं हर एक को भेज देती हूँ कि मैं आपको मुझे देखना है तो आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, पर यूट्यूब तो मेरा बाजू में ही रह जाता है। और ये लोग मैसेंजर से इतना परेशान कर देते हैं ना गाइस, तो कभी कभी सोचती हूँ क्या मुझे इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर कोई परेशान करेगा तो हम काम अपना कैसे करेंगे। एक तो सुबह से इतनी इतनी भागम भागी मची रहती है और ऊपर से ये कॉल पे कॉल, और कुछ काम नहीं कर पाते हैं, इनके कॉल ही आते रहते, मैसेंजर पे कॉल करते, मैसेंजर पे थोड़ा भी समझदारी से काम नहीं करते हैं। अरे यार गले मत पड़ो इतना, क्यों गले पड़ रहे हो? तो आज से तो मैंने सोचा है अब किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत परेशान कर डालते हैं, बहुत परेशान कर डालते हैं। हमारा फ़ायदा तो दूर रहा, यूट्यूब मुझे लगता है कि लोग मेरा मेरे व्यूअर्स बढ़ेंगे, पर वो तो बाजू में ही रह गया और पूरा दिन इतने काम में इन लोग की परेशानी चालू हो जाती है। तो गाइस चलिए वो तो रही साइड की बातें। अब सुबह उठ के मैंने पूरा खाना बनाया, फिर झाड़ू पोछा किया, जो हर इंडियन लेडीज़ को, इंडियन का एवरी लेडीज़ करती है, और बर्तन घसे और कपड़े धोए। और आज मैंने ना थोड़ा आंगन को साफ किया और पूरा धोया। चलिए मैं नीचे जाके आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। गाइज आपने मेरा कल का वीडियो देखा कि नहीं? उसमें मैंने हेयर स्प्लिटन्स कैसे निकालने के हैं वो बताया है, बालों के स्प्लिटन्स कैसे निकाले जाते हैं। और उसके आगे वाला वीडियो था मेरा हेयर ट्रिमिंग कैसे किया जाता है घर पे। तो गाइस चलिए अब मैं निकलती हूँ पार्लर पे, और कुछ कुछ नया आज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी, नहीं तो मेरा ये व्लॉग तो कंटिन्यू रहेगा इवनिंग तक। तो आप देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। और गाइस ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगी मैं, और अच्छा अच्छा शूट करने की कोशिश करूँगी। तो आप मेरे आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास एक रेड कलर का लोगो आएगा, मतलब लिखा हुआ आएगा सब्सक्राइब, तो उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, और साइड में बेल आइकन आएगी, तो बेल आइकन पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो गाइस मैं ब्यूटी के बारे में कुछ 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 बताती रहती हूँ, तो जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं मैं उनको बता देती हूँ कि मेरा ब्यूटी पार्लर है और मैं हूँ ब्यूटिशियन ज्योत्सना जायसवाल, इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल। आजकल मेरा ये नाम मैं लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो गाइस चलिए अब निकलते हैं पार्लर पे, और मैं उसके पहले बताती हूँ कि मैंने आंगन में क्या क्या काम किया है, और मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे क्या प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग, वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस पे क्या क्या करूँगी। तो आज मैंने सोच लिया कि अब मेरे काम में ये मेरा बागवानी का काम भी मैं इंक्लूड कर दूँगी, ताकि थोड़ा थोड़ा रोज़ अगर मैं करूँगी ना तो मैं कर पाऊँगी जो मेरे शौक़ है मैं पूरे कर पाऊँगी। मुझे ना प्लांट्स लगाना, किचन गार्डन बनाना बहुत पसंद आता है, लेकिन मेरे पास एक भी दिन का टाइम नहीं रहता है, पूरा दिन पार्लर पे मॉर्निंग से इवनिंग तक जाती रहती हूँ। तो गाइस मैंने आज से सोच लिया है कि अब थोड़ा थोड़ा काम मैं रोज़ करूँगी, ताकि मेरा काम होए और मुझे भी खुशी मिले और मेरा किचन गार्डन रेडी हो जाए धीरे धीरे।
तो चलिए गाइस, अब मैं निकलती हूँ पार्लर पे। उसके पहले मैं नीचे जाके आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या काम किया है। पाइप लगा के गाड़ी को वॉश कर दिया है और ये पूरा इधर का ये सब वॉश कर दिया है मैंने। और यहाँ पे ना गाइस नारियल का झाड़ था, तो नारियल का झाड़ हमने कटवा डाला। जब हमने ऊपर पत्रे लगवाए ना, शेड लगवाया, तो हमने नारियल का झाड़ निकलवा डाला था। तो उसका वो जो खड्डा पड़ा है ऐसा राउंड सर्कल बनाया हुआ था, तो उसमें ना मैंने क्या किया, कचरा उठा के, सारा यहाँ का कचरा उठा के उसमें डाल दिया और उसमें मिट्टी डाल के, ताकि उसमें खाद हो जाएगी। और खाद हुई तो फिर मैं यहाँ पे ये पूरा अरेंज कर दूँगी, जो एक्स्ट्रा है वो निकाल दूँगी। और यहाँ पे ना मैं टमाटर और इसके झाड़ लगाऊँगी। तो ये मैंने पूरा क्लीन कर दिया है और उसी तरह से यहाँ भी ये सर्कल बना हुआ है और इसमें भी मैंने ये सारा कचरा जमा कर दिया है। तो ये कचरा उठा के मैं इसके अंदर डाल दूँगी और पूरा इसमें थोड़ा सा इसको सजा दूँगी। जब मैं सजाऊँगी तब भी आपको दिखाऊँगी गाइस। तो ये सारे जो एक्स्ट्रा प्लांट है ना, उसको मैं अच्छे से बांध दूँगी। उसको भी मेरे को थोड़ा साफ करना है, क्योंकि वो सूख गया है झाड़ और उसमें वो ब्रह्म कमल का पौधा लगा है। तो फिर उसमें खाद वगैरह ला के डालूँगी ताकि उसमें फूल लगेंगे। तो इसको भी मैं पूरा, ये खड्डा जो दिख रहा है ना आपको, इसको मैं पूरा भर दूंगी। यहाँ पे पूरा मिट्टी डाल दूंगी और अच्छे से यहाँ पे पूरा सर्कल में झाड़ लगाऊंगी। तो गाइज मैंने आज ये पूरा साफ सफाई का काम किया है, क्लीन क्लीन अच्छा लग रहा है। और ये है नल यहाँ पे और पाइप और मेरे नींबू के झाड़, इसको मुझे उगाने हैं, खाद लानी है। तो गाइज आज अब मैंने अपना काम में ये काम भी इंक्लूड कर दिया है। ये तुलसी वृंदावन को भी मुझे थोड़ा सा अच्छा करना है। तुलसी थोड़ी सी ये हो गई है, तो इसको मुझे थोड़ा सा ये कुंडी को थोड़ा कलर करके गेरू लगा के दिवाली में ये सब काम करूँगी। और गाइस देखिए कितना अच्छा फूल आया है, है ना। और ये प्लांट ना बहुत बड़ा हो गया है, मैं उसको तोड़ती रहती हूँ। उसमें बहुत फूल आते थे, पर मैंने अब इस बार बहुत सारा तोड़ डाला, छाटनी कर डाला, तो फूल थोड़े थोड़े कम आए हैं। मतलब जहाँ पे फूल आने के अभी सीज़न है, तो मैं तो उसको तोड़ ही डालती हूँ। तो गाइस देखिए क्या मस्त फूल आए हैं। तो ये था मेरा मॉर्निंग का काम और अब मैं निकल रही हूँ पार्लर के लिए। एक सिंपल सा हेयर स्टाइल बताने जा रही हूँ मैं आपको, उल्टा जोड़ा। ये हेयर स्टाइल आप अपने आप भी कर सकते हो या किसी और का भी कर सकते हैं। बालों को अच्छे से कॉम कर लीजिए, चाहिए तो थोड़ा सा गीला कर लीजिए। पोनीटेल बना के इस तरह से उसे ऊंचा लेंगे। और सिंपल सा ट्विस्ट करेंगे बालों को। सिंपल सा ट्विस्ट किया है, हमारा ये ट्विस्ट इस तरह से गया है, तो हम उसको अपोजिट साइड में, ट्विस्ट इस ये साइड गया है ना, तो हम उसको अपोजिट साइड में ऐसे ओपन कर लेंगे। हाफ गोल घुमा लिया इस तरह से, ये हमारा जोड़ा ओपन हो जाएगा और उसको हम इस तरह से उल्टा रखेंगे। देखिए
उसको खूब अच्छे से आपने पिनअप करना है, अच्छे से कोम कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा उल्टा जोड़ा, देखिए सिंपल सा ट्विस्ट किया है मैंने और उसको उल्टा करके रख दिया। ये आप अपने आप भी बना सकते हैं और किसी और का भी बना सकते हैं। देखने में गाइस ये बहुत सुंदर दिखता है और एकदम इजी वे में बन जाता है। तो इस तरह से हम अपनी हेयर स्टाइल बना सकते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं खुद का खुद पे भी। तो गाइज ऐसे ही एक सिंपल सा हेयर स्टाइल मैंने आपको दिखाया है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि आपसे बना के नहीं। अब सेम हेयर स्टाइल का मेरे स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऊंचा लो बालों को नीचे से ऊपर एकदम, गाइस बालों को अच्छे से ऊपर लेंगे ना तो हेयर स्टाइल बहुत अच्छे से आएगी। जितना हम ऊंचा लेंगे ना उतनी अच्छे से हेयर स्टाइल आएगी। जल्दी करो, इतना टाइम नहीं लगाने का। सिंपल सा ट्विस्ट करना है, देखिए गाइस एकदम सिंपल है। ट्विस्टिंग वाला जूड़ा बनाना है पहले, ये बाल हमारे वो साइड जा रहे हैं तो इसको घुमाना है ये साइड, अपोजिट डायरेक्शन में घुमा देना है हाफ, और फिर उसको पूरा पूरा ऊपर ले, इसको भी ऊपर ले लो, इसको भी, हाँ जाने दो पीछे। देखिए गाइस पूरा इस तरह से हमको उठा के रख देना है और इसे इजीली पिनअप कर देना है। कभी कभी कितनी चीज़ें कितनी सिंपल रहती है पर करने के बाद कितनी सुंदर हो जाती है। देखिए हम इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के बहुत सारे हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं हम अपने तरीके से। स्टूडेंट मेरी थोड़ी सी सिखा हुई इसलिए प्रॉपर नहीं आया है, पिनअप भी बराबर नहीं हुआ है गाइस। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस प्रॉपर कीजिए, इकड़े पर इधर भी पिन लगाओ एक, और पिन दिखनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स अब मेरे ये स्टूडेंट हेयर स्टाइल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छे से नहीं आया है जैसा मैंने बनाया था वैसा नहीं आया उनसे, पर वो प्रैक्टिस करने के बाद उनका भी उसी तरह से आएगा जो मैंने आपको पहले दिखाया उसी तरह से हेयर स्टाइल बनेगा। वो स्टूडेंट के बाल में बहुत ऑयल लगा हुआ था इसलिए पूरा हेयर स्टाइल का कचरा हो गया है। तो हम फिर से दूसरे स्टूडेंट पे प्रैक्टिस करवा रही हूँ मैं। तो देखिए अब कैसे बनाते हैं देखते हैं। बालों को बिल्कुल ऑयल नहीं लगा रहना चाहिए,
बालों को ऑयल लगा रहता है तो बाल बराबर से बनते नहीं है। मेथड वही है गाइस, पर फिनिशिंग अच्छा आना चाहिए। बस ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट को घुमा देना है। इसको अच्छे से अंदर रखो, पहले नहीं घुमाओ, पहले इसको पूरा टाइट, पूरा पीछे तक कर दो गाइस, पूरा ट्विस्ट पीछे तक लेना है और जब उसको फिनिश, हाँ घुमाओ पूरा, हाँ पूरा उल्टा करके रखो ये पूरा, हाँ पूरा पीछे की साइड जाना चाहिए, ये वाला पोर्शन ही ऊपर आना चाहिए, पोर्शन ऊपर उसके अंदर चला जाता। तो गाइस अंदर का जो पोर्शन है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो फाइनली मेरे स्टूडेंट ने सेकंड टाइम प्रैक्टिस में अच्छे से किया है, वेरी गुड शाबाश। तो अभी उसको हम अच्छे से पिनअप करेंगे, क्योंकि हमें दो तीन पोर्शन में पिनअप करना है, एक इधर, एक यहाँ भी, सेकंड यहाँ भी करना है और थर्ड यहाँ भी। तो यूपिन लगाएंगे अच्छे से हम। प्रॉपरली बहुत अच्छे से आया है। तो इस तरह से गाइज आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी अच्छे से बना सकते हो। पिन ना ऐसी दिखनी नहीं चाहिए, और गाइज ऐसी यूपिन या पिन्स ना दिखनी नहीं चाहिए। हम कुछ भी ट्राई करते हैं ना, तीन चार बार अगर उसकी प्रैक्टिस की जाती है ना तो अच्छे से हो जाता है वो। तो गाइज स्टूडेंट की प्रैक्टिस कामयाब रही और अच्छे से किया है उन्होंने। तो आप भी इस तरह से घर पे बना के देखिए। तो आफ्टरनून टाइम हम लोग का इस तरह से क्लास का टाइम रहता है और प्रैक्टिस करते रहते हैं हम लोग, क्योंकि आफ्टरनून में क्लाइंट कम रहते हैं, इस तरह से हमारी प्रैक्टिस चलती रहती है। गुड मॉर्निंग, कल दोपहर के बाद, हेयर स्टाइल का प्रैक्टिस के बाद मैं अभी मिल रही हूँ आपको, और बस अभी उठी हूँ। मैंने ये गैस पे करेले की सब्जी चढ़ाई है और 7:30 बजने को आए हैं, तो चलिए जल्दी जल्दी सुबह के काम करते हैं। और आप सबकी गुड मॉर्निंग हुई के नहीं, उठ गए सब लोग? हाय, तो मैंने बाथ ले लिया है अभी और मेरा सारा काम हो गया है। आप लोग क्या कर रहे हो? चाय वाय पी लिया मैंने सब कुछ, और आप लोग ने पिया के नहीं? ब्रेकफास्ट हुआ मॉर्निंग का? तो आज जैसा आपने देखा, मैंने करेले की सब्जी और रोटी बनाई है। और कल ना आफ्टरनून के बाद जो क्लास का सेशन हुआ मेरा ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स वाला, जिसमें मैंने हेयर स्टाइल बताई है जो आपने अभी देखी, तो उसके बाद ना मुझे मतलब टाइम नहीं मिला कुछ भी शूट करने का पार्लर पे। और फिर रात को घर आई, और फिर रात को तो मेरा बहुत फेस टायर्ड फीलिंग वाला रहता है, तो मैं रात को ज़्यादा शूट करने के चक्कर में पड़ती नहीं हूँ। तो मॉर्निंग में उठते ही नींद में से ही मैंने वीडियो शूट करना चालू कर दिया है गाइस। और अब मैं निकल रही हूँ पार्लर पे, और देखिए स्किन ना थोड़ी सी खींचने लगी है, अभी ठंडी शुरू हो गई है तो स्किन को ना थोड़ा सा ऐसा मतलब ड्राइनेस आ रही है, पर मैंने अभी तक कुछ मॉइस्चराइज़र या क्रीम लगाना स्टार्ट नहीं किया है। अरे इतना पसीना हो जाता है ना, अगर मैं मॉइस्चराइज़र या क्रीम कुछ भी लगाती हूँ तो पसीना पसीना होता है भागम भागी में। तो आज मैंने कुछ लगाया नहीं है, पर अब मुझे लगता है एक दो दिन में मुझे लगाना पड़ेगा। और आपके यहाँ ठंडी कैसी पड़ रही है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसे लग रहा है आपके यहाँ। और गाइस
बस कल थोड़ा सा मूड आउट था, उखड़ा हुआ था, होता है कभी कभी। और बस कभी कभी क्या, आजकल तो 4 साल से तो हो ही रहा है मूड आउट, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। बस ऐसे धवल के जाने के बाद ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब लाइफ कोई जीने की कोई मतलब इच्छा ही नहीं रही। मैंने कहा इस इतने 4 साल में ना साड़ी पहनना भी छोड़ दिया है। मतलब पहले मैं बहुत मतलब बोल्ड जैसी एकदम थी, पर मैंने मेरे धवल के जाने के बाद ना मेरे हाथ पांव जैसे टूट गए हैं। मुझे कुछ भी करने को दिल नहीं करता है, बस जिंदगी घसीट रहे हैं बस इसी तरह। धवल के साथ मैं बहुत अटैच थी, धवल मेरे बड़े भाई का लड़का और पूरी तरह मेरे बेटे की कमी पूरी करता था। तो गाइस थोड़ा बहुत उसकी मुझे रोज ही याद आ जाती, मैं जैसे रोड पे चलती हूँ ना तो मुझे उसकी याद आ जाती है। और बस कोई फेस्टिवल आता है तो भी उसकी याद आती है, अच्छा नहीं लगता है। तो बस एनर्जी कुछ भी नहीं रहती, पर हाँ एनर्जी मैं लाती हूँ ये यूट्यूब के वीडियोज़ बना के, और सबको देखती हूँ सब कितने खुश हैं, उनकी लाइफ में कोई गम नहीं है। मैं भी बहुत खुश थी पहले, बहुत खुश मतलब बहुत खुश, कोई गम नहीं था, कोई नहीं, बहुत अच्छे से रहती थी। पर जब से धवल के जाने के बाद ना इतना बड़ा दुख ज़िंदगी में आ गया, तो बस मन की बात रहती है तो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ गाइस। और क्या किसको बताऊँ अपने दिल की बात। तो बस मेरी पक 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 चलती रहती है आपके सामने। तो और खुश रहने की कोशिश करती हूँ मैं, जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तब मैं मतलब खुश हो के वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है और थोड़ा सा मेरा मन भी बहल जाता है। तो गाइस आज मुझे जाना था जल्दी, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई। पर अभी वो क्लाइंट का फ़ोन आया कि मैं रात को ही आऊँगी, अभी मॉर्निंग में मुझे आना पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर मुझे वो रात को ही बता देती थी तो मेरा सुबह का गार्डनिंग का काम हो जाता था। मेन मेरा गार्डनिंग का काम बाकी है और मुझे वो गार्डन को थोड़ा सा सजाना है दिवाली से पहले। तो कोई बात नहीं, अब कल परसों में कर लूँगी। तो बस मेरी लाइफ में तो यही सब चल रहा है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है मेरे साथ शेयर कीजिए और बताइए। और गाइस मैंने जो हेयर स्टाइल बताई ना इजी मेथड से, मैं बता रही हूँ मैं यही वाली हेयर स्टाइल अपने बालों पे भी कैसे बनाने का खुद से खुद का, वो मैं थोड़े दिन के बाद मैं बताऊँगी आपको। ये आप अभी तो प्रैक्टिस कीजिए दूसरे के बालों पे। इजी हेयर स्टाइल है गाइस मेरे पास जो भी है वो। और मैंने एक बार ना पहले वाले वीडियो में पेंसिल से हेयर स्टाइल कैसे बनाते हैं पेंसिल की मदद से वो भी बताया है, तो आप चेक कर लीजिएगा मेरे चैनल पे जाके। और इसी तरह से कोई कुछ भी चीज़ यूज़ करके हम कैसे हेयर स्टाइल बना सकते हैं, अगर आपके पास कुछ आइडिया है तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं भी वो ट्राई करूँगी। ओके तो गाइस बस अब निकलते हैं पार्लर के लिए, पहले जाएंगे मम्मी के यहाँ। और अब मैं ये वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि गाइस फिर बहुत बड़े बड़े वीडियोस हो जाते हैं, और क्योंकि हेयर स्टाइल का अभी आपको मैंने बताया ना तो ये लंबा हो जाएगा वीडियो। तो मैं ये वाला वीडियो यहीं एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो गाइस कोशिश कीजिए शेयर करने की ताकि दूसरे भी कुछ नई हेयर स्टाइल सीख सके आपके फ्रेंड्स। ओके और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियोस देखने को मिलती रहे। और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी आता रहे। तो चलिए गाइस अब निकलती हूँ पार्लर के लिए। जो मेरे साथ जुड़े हुए उनको पता है मेरा ब्यूटी पार्लर है, मैं ब्यूटिशियन हूँ। और मॉर्निंग 10 टू नाइट 10 मेरे पार्लर पे ही रहती हूँ। और अगर कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत शूट करने की मैं आपके लिए। गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, आई लव यू गाइज़।